दोस्तों, ये एक अजीब टाइप का बटन स्विच है जो मुझे मिला था एक इन्वर्टर का पीछे से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट प्रेस टू रिस्टार्ट, तो ये ऑलरेडी प्रेस किया हुआ है, ये बाहर निकला नहीं है, तो हम इसको वापस कैसे प्रेस करें। फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मल्टीमीटर से चेक किया, ये हमेशा कंटिन्यू बता रहा है, मतलब कि ये NC या NO पुश बटन ये नहीं पता चल रहा है और इसको हम प्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचा कि स्प्रिंग वगैरह की फॉल्ट हुआ, तो इसलिए हम इसको प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको खोला और खोल के अंदर जो देखा वो आपको बहुत ही शॉकिंग लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये जो लीवर है इसका कोई काम नहीं है इसकी कनेक्शन में। देखिए, ये जो कनेक्शन यहाँ से आया, इस प्लेट से यहाँ पर निकल जाती है। तो ये जो कनेक्शन है इसको ये प्रेस करने से डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करता है। और अगर मैं इस पत्ता को ऐसे बेंड कर दूं तो ये स्विच ऐसे निकल जाती है और ये ऑफ होकर लॉक हो जाती है, मतलब कि ये जो कंटिन्यू है वो डिसकंटिन्यू होकर लॉक हो जाती है। और उसके बाद जब मैं इसको प्रेस कर देता हूँ वापस, तो ये वापस कंटिन्यू हो जाता है। तो इसको बिना खोले कनेक्ट किया जा सकता है लेकिन डिसकनेक्ट नहीं किया जा सकता। हम इसको प्रेस कर सकते लेकिन रिलीज नहीं कर सकते स्विच को। तो ये क्या चीज़ है भाई? तो भाई ये होता है एक ब्रेकर स्विच, ये एक थर्मल ब्रेकर स्विच है। जैसे MCB ट्रिप मारती है बहुत ज़्यादा लोड ज़्यादा टाइम के लिए होने से, तो ऐसा ही ये भी एक ब्रेकर स्विच है। यहाँ पर जो ये पत्ता यूज किया गया है ये है एक बाई मेटालिक स्ट्रिप, ये जो है हीट होने से बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 7 एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब कि 7 एम्पियर से बहुत ज़्यादा करंट अगर इसके अंदर ज़्यादा टाइम के लिए फ्लो होता है तो ये पत्ता गर्म होता है और गर्म होने से ये बेंड हो जाती है, ये इसकी खासियत है। और जैसे ही ये एक बार हीट होकर बेंड हो गया तो ये इस तरह से लॉक हो जाती है, आप जब इसको प्रेस करेंगे तब ये रिसेट होती है। तो यही होता है ब्रेकर स्विच का सिस्टम। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बाद में इन्वर्टर खोले तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है।